मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इट हम लोग हर चीज़ को इतनी जल्दी में एडवर्टाइज़ करते हैं uh, हर फैसिलिटी हमें ऑन द गो चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि फ़िटनेस ये सब चीज़ें वेट कम करना वेट बढ़ाना ये सब चीज़ें भी फिंगर टिप्स पर ऑन द गो हो चुकी हैं वाइट शुगर इज़ कॉल्ड वाइट पॉइजन फॉर अ वेरी गुड रीज़न ठीक है शुगर आपके वेन यू कन्ज्यूम हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर एक्चुअली सेंड्स योर एंटायर बॉडी इन टू शॉक अगर मैं किसी को वे प्रोटीन देता हूँ और उस दिन उसने हलवा पूड़ी चने खा लिया, उसका पेट खराब हो गया तो उसके अम्मी बोले तो मुझे कहना है कि आपने जी इसको प्रोटीन शेक दिया था इसका पेट हमारे बच्चे का खराब हो गया इसी अच्छा असल जो आपकी फिजिक होती है वो कोल्ड फॉर्म में होती है आ, cold अगर cold आपने भी अपने भी। आप को एनालाइज करना है आप कोल्ड फॉर्म में करो पंप के ऊपर अच्छी लाइटिंग के नीचे खड़े होकर फोटो लेके हर कोई अच्छा लगता है आई डू द सेम थिंग हम जैसे नाशुकरे लोग है ही नहीं हम नाशुकरों नाशुकर में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है एज पीपल एज ए नेशन वी आर द मोस्ट थैंकलेस पीपल एवर अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस आज हमारे साथ हैं हसान भाई और फिटनेस ट्रेनर हैं और इन्होंने बहुत सारे एक लेजेंड्स को ट्रेन किया तो है तो हमारे साथ हैं इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं हसान भाई थैंक यू फॉर कमिंग अस्सलाम वालेकुम जी थैंक यू फॉर हैविंग मी कैसे हैं आप का शुक्र है बेहतरीन सर अभी जो आपकी जर्नी हुई पूरी कि आपने इतना अर्सा फ़िटनेस में गुजारा है क्या आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो गुजर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि फिटनेस की थ्रू कुछ एजुकेशन और कुछ चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं कि हमें फिटनेस में क्यों आना चाहिए और हमारी फिटनेस लाइफ ही क्यों ज़रूरी है समझ ग्रेजुअली आ रही है लोगों को बट आई स्टिल थिंक कि अभी हम अगर कंपेयर करें बाकी, बाकी ममालिक से तो अभी हम बहुत पीछे अभी तो हम काफ़ी पीछे अभी वी स्टिल हैव नॉट मेड फिटनेस एज अ प्रायोरिटी हमारे लिए फिटनेस एक साइड ऑप्शन के तौर पर है अभी प्रायोरिटी नहीं।, नहीं बन सका नहीं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट डेकेड और सो शायद दस बारह साल मजीद लगे फॉर एस एज ए नैशन टू टेक इट ए लिटिल मोर सीरियसली लेकिन अगर मैं आपका ऑनिस्ट जवाब दूँ अपने ऑब्जर्वेशन से ट्रेंड बड़ा है लेकिन हम अभी तक फिटनेस की एसेंस को उस तरह से नहीं समझ पाए बेहसी कौम वेस्टल क्योंकि हम देखते हैं ना यू एस के अंदर हमारे पास ऑनल्ड uh, ने एक ट्रेंड जो है ना रखा था कि भाई आपको इस तरह की बॉडी मर्दों को बनानी चाहिए बॉयज़ को उससे पहले एथलीट्स ज़्यादा हुआ करते थे तो उसके बाद एक पूरा कल्चर आया वहाँ पर इंडिया में हम देखते हैं जॉन इब्राहिम रोशन वगैरह उनके थ्रू बॉलीवुड के थ्रू काफ़ी एक फिटनेस कल्चर हमसे ज़्यादा वहाँ पर है जिम्स बहुत ज़्यादा हैं चेन ज़्यादा हैं सप्लीमेंट हर चीज़ ज़्यादा है तो वो चीज़ आपको कोई लगता है कि एक डोमिनट पर्सैलिटी आएगी हमारे पास उसके थ्रू एक ब्रेक थ्रू होगा या क्या होगा देखिए आर्निड वॉज एन एथलीट क्या yeah. ऐसा नहीं था कि आर्निड से पहले एथलीट्स नहीं थे उससे पहले भी बहुत थे लेकिन ही वॉज़ अ शोमैन हम एक अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शोमैन और बहुत से लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान से पहले भी वो काम कर चुके होते हैं जैसे हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो शान भाई हमारे जो एक्टर हैं सीनियर एक्टर हैं ही ऑल्सो वोज इन टू वेट ट्रेनिंग अ लॉन्ग टाइम बिफोर आहिस्ता आहिस्ता आया आगे और हर चीज़ रिवोल्यूशनइज़ करती है वक्त के साथ साथ और रही बात uh, <coughs> बॉलीवुड की आपने कहा कि जॉन एब्रह और ऋतिक uh, ने बिल्कुल इन्होंने बहुत रोल प्ले किया एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड भी अच्छी चीज़ अगर कोई भी बंदा शोकेस करता है और एक ट्रेंड शुरू करता है तो तो बड़ी ख़ुशाइन बात होती है और वंस अगेन इसका यही जवाब है कि पाकिस्तान में अभी इस चीज़ को लेके थोड़ा वक्त लगेगा इधर इधर हमारे यहाँ ये है कि आप किसी से अगर मोटिवेट हो भी जाते हो उसका ये गारंटी नहीं है कि वो प्रॉब्बली दे वुड ऑल्सो स्टार्ट ट्रेनिंग वो शायद तारीफ ज़रूर करेंगे लेकिन ट्रेनिंग की तरफ जाने के लिए तारीफ़ से ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत होती है दैट इज़ नॉट एवरीबडी इसका पोफ्टी Mm -hmm. so, मेरा तो मेरा फिर वही जवाब होगा कि अभी बेहसी कौम हमने फ़िटनेस को अपने लाइफ स्टाइल में उस तरह से इंटीग्रेट अभी तक नहीं किया और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिस तरह से डिजर्व करती है आवर एटीट्यूड आर वेरी कैजुअल वेन इट कम्स टू आर डाइट आवर ट्रेनिंग हमारा मोरल हमारे डिसिप्लिन हमारी कंसिस्टेंसी अभी वी आर वेरी फार बिहाइंड वेरी फार बिहाइंड ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम जो फिटनेस की बात करते हैं ना तो काफ़ी लोगों के जहन में आते हैं जिम तो आपकी नज़र में एक फिट बंदा का क्या एक पहचान है देखिए मैंने एक पिछले शो में भी ये बात की थी कि फिटनेस से जिम इज़ अ गुड एड ऑन इट इज़ द बेसिक आप आप जिम से मतलब जिम से गुजरे बगैर आप मुकम्मल एथलीट शायद ना बन पाए राइट यू हैव द नेसेसरी टूल्स इन अ जिम इन ऑर्डर टू डिप वॉट एवर एक्सपर्टीज लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन नहीं एक अच्छा एथलीट बनने के लिए डिपेंडिंग आप एथलीट किसकी बात करें तो uh, अवल तो जिम हो तो कुछ में बुरा ही नहीं है इट्स अ वेरी गुड थिंग जिम बना ही है इस काम के लिए लेकिन अगर नहीं भी जाता कोई लेकिन स्टिल बी अ वेरी फिट एथलीट विदाउट आउट ज्वाइनिंग द जिम सही सही तो एक जो बहुत मेजर टॉपिक है um. जो कि क्लेशियर टॉपिक है जो है ना वेट लॉस का तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं जाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ओबेसिटी है वह ऐसे बढ़ती जा रही है वेन यू से वेट लॉस आप ओवरऑल वेट की बात कर रहे हो जिसमें आपका मसल हाँ मैथ भी शामिल है सो इट्स इट्स नॉट द राइट वर्ड वेट लॉस इज़ नॉट वीन इज लुकिंग वट यूजली इज सफ्टर तो उसमें मैं कह रहा था कि तो फैट लॉस है ना तो फैट लॉस के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आया है ठीक है आप बहुत सारे ऐसे टीन एजर होंगे जो लोग होंगे जिस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो कि चाहते हैं कि हमारा हम फैट लॉस करें ना बहुत लोग मोटिवेट होते हैं फिर मोटिवेशन हो जाती है कि भाई हमने इस कंटिन्यू नहीं, नहीं करना हमारे फैमिली में फ्रेंड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको एक ज़रा एक पुश बैक मिल जाएगा तो एक क्लाइंट आपके पास आया फॉर एग्जाम्पल तो उसके फैट लॉस जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है नहीं पहली बात तो ये कि वो डीमोटिवेट होगा क्यों वो आपने स्ट्रेस नहीं किया क्योंकि उसने दो हफ्ते जिम में लगाए फीस भरी उसने कहा यार ये तो इट्स नॉट मैटर दो हफ्ते जिम में लगाए और छोड़ दिया तो फिर वो छोड़ा भी बेहतर है अगर उसको लगता है कि ये दो हफ्ते की बात है तो वो फिर ना ही करें जिम पे भी एहसान ना करें और अपने पे भी एहसान ना करें और अपने वाल साहब से जो पैसे ले रहे वो भी ज़ाया ना करें देखें ये दो हफ्ते की चीज़ नहीं है मैं समझा समझा था क्यों कि ये नो ये कहाँ से ये नोशन आता है लेकिन आई थिंक द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इट हम लोग हर चीज़ को इतनी जल्दी में एडवर्टाइज़ करते हैं हर फैसिलिटी हमें ऑन द गो चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि फ़िटनेस ये सब चीज़ें वेट कम करना वेट बढ़ाना ये सब चीज़ें भी फिंगर टिप्स पर ऑन द गो हो चुकी हैं दिस इज़ नॉट ऑन द गो यू हैव टू गिवे टाइम एंड रिस्पेक्ट तो ये दो हफ्ते कर कोई कर करके डीमोटिवेट हो रहा है तो वो फिर घर बैठे ही ठीक है उसको उसके हाल पर छोड़ता <laughs> और दूसरी बात ये कि अब बीइंग इन द फील्ड फॉर ओवर ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आता कि जब मुझे कोई कहे ना यार हम डीमोटिवेट हो गए मतलब आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि आपको फिट होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है इजन दैट वॉट एवरी शुड ऑलरेडी बी मोटिवेटेड अबाउट मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप अगर बीमार हो क्या आप को मोटिवेशन चाहिए तंदुरुस्त होने की यू कीव टू यू हैव टू नॉट वॉन्ट टू हैव टू हर चीज़ में हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं. हाँ रियलाइजेशन होनी चाहिए तो अगर कोई अभी भी किसी को अगर लगता है कि यार हमें मोटिवेशन चाहिए तो आई एम सॉरी यू नो मोटिवेशन इट डज़ नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग राइट डिसिप्लिन पैदा करें अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें मोटिवेशन के भरोसे ना रहें यू नॉट मोटिवेटेड टू डू एनी थिंग फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम एक वक्त आता है आपकी वो एक आदत बन जाती है उसको आदत बनाओ लाइफ बनाओ तो मोटिवेशन वाली बात छोड़ दें मोटिवेशन तो आती है आप एक वीडियो देख लो जिस तरह आपने कहा अभी कि एक्टर्स को देख लो तो सब कहते के त्यार ऐसे बनना है लेकिन क्या आप वो सब कर सकते हैं आ, जो उन्होंने किया उस लेवल तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन मेहनत हाँ तो वो उनकी डेडिकेशन भी देखो ना आप देखिए हमारे यहाँ सिर्फ हम फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं कि एक शख्स ऐसा देखता है <laughs> अब दो किस्म के लोग हैं एक वो हैं जो वाकई में उस जैसी मेहनत करते हैं और वो पहुंच जाते हैं उस तक या उसके करीब तक या इतना अच्छे हो जाते हैं कि अपने पास से बेहतर हो जाते हैं दूसरे उस किस्म के लोग होते हैं जो बैठ के सिर्फ तनकीद करते हैं जैसे मेरा पिछला पॉडकास्ट था उसमें मैंने कहा जी फिटनेस एक अच्छी चीज़ है जिस तरह मैं हर पॉडकास्ट पर बात करता हूँ एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है एक फिट बॉडी होना एक अच्छी बात है तो उधर कुछ एक साहब से तो उन्होंने लिखा था कादिर आजम कौन सा जिम जाते थे <laughs> उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो वेन यू डीलिंग विद सच एडियट्स वैन यू डीलिंग विद सच लूनिटिक्स जिनको अभी तक एक सिंपल बात समझ में ही नहीं आती है तेन डू यू एक्सपेक्ट तो मुझे बाद में क्लैरिफाई करना पड़ा मैं क्या भाईओ मैंने आपको समझाया है कि मैंने देखिए मैंने कहीं पे भी आज तक मैं कह के था कि मैंने कहीं पे भी बॉडी बिल्डिंग पे आज तक बात नहीं की तो वो वो, मेरा मेरा शौक है आपका शौक है वो ठीक है मैं अपने क्लाइंट्स को जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ पाकिस्तान में या ऑनलाइन ग्लोबली आई ड नॉट हैव एनी सिंगल क्लाइंट जो बॉडी बिल्डिंग करने वाला आई शो शोध द वे इफ आई लुक वे दैट्स माई चॉइस तो वो टॉपिक जो है ना हमेशा जब मैं फिटनेस पे बात करता हूँ तो जो काफ़ी साहिबान हैं वो कहते हैं जी स्टेरॉइड्स और ये आप प्रमोट कर रहे हैं बॉडी uh, बिल्डिंग को ही एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है हालांकि मैंने कभी भी उसको प्रमोट नहीं किया बट देन ए लाइक एस एड यू हैव इडियट्स एवरी वे अभी हम ये पॉडकास्ट जब ऑन एयर करेंगे इन शाह तो इसके ऊपर भी जो सिंपल तरीन स्टेटमेंट होगा उस पर भी कुछ लोग हैं वो उसको जानबूझ के मिस इंटरप्रेट करेंगे क्यों अब मैं आपको उसकी वजह चाहता हूँ बिकॉज दे के नॉट डू एड दम सेल्व अंगूर खटे होते हैं और बिलो तो वो आपको एक फिजी पसंद <laughs> आई यू ट्राई एंड अचीव इट सौ में से दो लोग कर जाएंगे नाइन्टी एट फेल हो जाएंगे और फेल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो इम्पॉसिबल चीज़ है फेल इसलिए होंगे क्योंकि उनके पास वो पेशेंस नहीं है एंड वंस दे फेल तो उनके पास अब एक फेस सेविंग तो चाहिए आपको तो उनकी फेस सेविंग क्या बनेगी स्टेरॉइड्स स्टेर hmm. यार ओ स्टेड्स करता हाँ, ऐसे ही हम भी करते तो हम भी ऐसे बन सकते थे इन एवरी जिम यही बात होती है कि भाई जो भी बंदा है जिसकी अच्छी बॉडी जेनेटिकली अच्छा है या उसने टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसने लगाया लाइफ का

या सामने खड़े होकर बात करते थे बट देन अगेन विंस्टन चर्चिल कहता था कि इफ यू थ्रो अ स्टोन एट एवरी डॉग दैट दैट वर्कस यू नेवर रीच यो डेस्टिनेशन तो वो आप जितना मर्जी शगुफ्ता सलीस जबान में भी समझा लें कि भाई जिम जाओ एक अच्छी एक्टिव जिंदगी जियो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू मिस इंटरप्रेट क्यों भाई ये तो स्टेरॉइड्स प्रमोट कर रहा है या बॉडी बिल्डिंग प्रमोट कर रहा है आई एम नॉट आई हैव नेवर प्रमोटेड बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग फॉर दैट मैटर पता नहीं कहाँ से लेकिन खैर छोड़ी उनको चलिए हम उस पर आते हैं जो वेट लॉस के अंदर ना फैट लॉस के अंदर एक चीज़ है शुगर जो है ना टेबल शुगर जो है ना और मेरे सबसे से स्पेक्ट्रा है मैं आपके सामने रखता हूँ फिर आप उसको करेक्ट कर देना ना एक आपके पास सिंपल काब्स के अंदर टेबल शुगर होती है वाइट शुगर ठीक है सिंपल जो काब्स हैं बिल्कुल उसके बाद फ्रूट्स आते हैं आपके पास देन आपके पास राइस हैं फिर ब्राउन राइस देन ओट्स एंड पोटेटो एंड स्वीट पोटेटोज तो इसके अंदर जो मतलब फैट लॉस के अंदर हैं उनको किन चीज़ों को से अवॉइड करना चाहिए देखें जो फैट लॉस का अमल है ना इट्स वेरी सिंपल मैं आपके आगे भी शायद काफ़ी सवाल हूँ इसी से रिलेटेड मैं उन सब का एक बड़ा हॉलिस्टे और बड़ा ही आसान जवाब देता हूँ अगर हम अभी एक एक फूड आइटम को रिव्यू करना शुरू हो जाए तो फिर हम शायद एक हफ्ता स्टूडियो में बैठे रहें सो आई मेक इट वेरी इजी ऑन यू प्रोसेस फूड से दूर रहें गो फॉर फ्रेश फूड चॉइसेस फ्रेश फूड सोर्सेस और रही बात वेट गेन या वेट लॉस के अमल की वो सारे के सारी बात आती है क्लोरिक इंटेक वर्सेस क्लोरट क्लोरिक बर्न तो अगर आप सफ़ेद चीनी भी एक क्लोरिक नंबर से कम खा रहे हैं यू विल लूज वेट अगर आप सलाद के पत्ते भी एक सरप्लस में खा रहे हैं कहने को सलाद का पत्ता ही है ना अगर वो भी सरप्लस में खा रहे हो यू विल एंड गेनिंग वेट सही सो दैट इज़ द इजिएस्ट मोस्ट सिंपल आंसर टू वट एवर क्वेश्चन यू वॉन्टेड टू आस विध रेस्पेक्ट टू वेट गेन व्यय अब आपकी जो बात आती है वो फूड चॉइसिस पे आती है कि क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस राइट बट द फर्स्ट थिंग वाइट शुगर इज कॉल्ड वाइट पॉइजन फॉर अ वेरी गुड रीजन ठीक है शुगर आपके वेन यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ शुगर एक्चुअली सेंस योर एंटायर बॉडी इन टू शॉक योर एंटायर बॉडी गोज इं टू शॉक क्योंकि इतना शुगर ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना सो ऑबियसली इफ यर लुकिंग फॉर अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल आप ऑब्वियसली वाइट शुगर को साइड पर करते हो एंड देन आपके पास जो रिमेनिंग चॉइसज होती हैं डिपेंडिंग वंस अगेन कि वॉट योर गोल इज अगर वाइट राइस है देन यू नो यू शिफ्ट टू ब्राउन राइस सम पीपल यू नो वाइट राइस इज फाइन फॉर दैम इज़ वेल सो दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस लेकिन प्रोसेस फूड्स बाहर निकालें फ्राइड फूड बाहर निकालें एनी थिंग डैट हैज़ अ लॉर्ड ऑफ शुगर और अ लॉर्ड ऑफ सॉल्ट जो एक्सट्रीम टेस्ट्स हैं इधर इट्स टू सॉल्टी और इट इज़ टू स्वीट नेवर गो फॉर एक्सट्रीम्स इन लाइफ इन ट्रेनिंग इन न्यूट्रिशन कीप इट मॉडरेट मॉडरेट में रहेंगे मॉडरेशन में तो आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो इफ़ यू गो फॉर एन एक्सट्रीम अनलेस यू नो यू हैव अ शूट और यू हैव टू गो अपन स्टेज और समथिंग वो एक डिफरेंट टॉपिक है बट फॉर द एवरेज पर्सन मॉड्रेशन में रहें लॉन्जविटी हासिल करें अच्छा इसके अंदर जो एक ब्लिस पॉइंट का एक चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ी तो बात करनी कि जो फैट और हम शुगर को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे बॉडी आर आपकी बात दुरुस्त है ये ये चीजें डिजाइन की गई हैं आपके टेस्ट बर्ड्स को एक एक्सट्रीम प्लेजरेबल उसमें लेके जाने के लिए डोमेन में दैट इज हाउ यू कैप्चर अ कंज्यूमर डोंट यू एक्सट्रीम शुगर यू नो हाउ यू आप आप इनको कहते हैं प्लेशबल फूड्स सो वॉट इट डज इट 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 फ्राइज योर सेंसेस और आपकी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है एक पर्टिकुलर फूड आइटम के साथ लेट्स से फास्ट फूड इज द बेस्ट एग्जांपल। तो वो आपके टेस्ट बर्ड्स की एक पर्टिकुलर वो लोग एक एक बेंच मार्क सेट कर देते हैं कि दिस इज वॉट स्वीट शुड फील लाइक और टेस्ट लाइक दिस इज वॉट बर्गर और फ्राइज शुड टेस्ट लाइक तो जब आप आते हो अपनी नॉर्मल लाइफ के खानों पर तो वह आपको टेस्टलेस लगते हैं बोरिंग लगते हैं सो दैट इज हाउ यू एस्केप द ट्रैप स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस फूड्स और अगर आपको कोई प्रोसेस फूड पसंद भी है सो देस दिस अमेजिंग टिप मैंने एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट की एक वीडियो देखी बहुत कमाल बात की उन्होंने कहते हैं आपको बर्गर पसंद आप खाइए फ्राइज पसंद आप खाइए बट मेक इट एट होम खुद बनाओ सही है कितना ईजी <laughs> और कितना अच्छा जवाब दिया उसने कहता है खाओ लेकिन घर बना लो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी ठीक प्रस। और 100%. आप सोलूटलीसेंट बनाएंगे तो आप मैकडॉनल्ड्स की जो ये वही डॉक्टर साहब है जिन्होंने अपने टेबल पे आज दिन तक मैकडोनल्ड्स के फ्राइज का पैक रखा हुआ है और उसको कई साल हो चुके हैं और उसकी अपेयरेंस वैसी की वैसी है वो अभी तक रॉट नहीं हुआ तो आप सोचें वो सबको समझाता है कि डेढ़ दो साल या जितना भी शायद और भी ज्यादा टाइम है उसने अपने टेबल पे रखा हुआ है तो अगर अभी तक वो फ्राइज जो हैं वो रॉट ही नहीं हुए और वैसे के वैसे हैं तो आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या केमिकल्स क्या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते होंगे जो आप खुद भी खा रहे हो आप अपने बच्चों को भी दे रहे हो जस्ट जस्ट इमेजिन ऐसे ही जो बच्चों को देने वाली चीज़ ना इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है ना फॉर एग्जांपल के अब हजबैंड uh, 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 काम कर रहे हैं बी वी भी, भी काम कर रही है और उनकी शादी हो गई बच्चे भी हो गए हेल्दी फूड सो इस वजह से भी वो बच्चों को फिर वो सीरियल्स पर लगाते हैं आप सीरियल्स को पता है कितनी शुक्र है काम करती थी, करती थी ऐसा नहीं है कि खातन काम नहीं करती थी लेकिन उनका तब एक ऑफिस वाला काम तो चले अब शायद पचास साठ साल पहले आया होगा mm -hmm. लेकिन इवन स्टेट होम वाइफ यू नो दे वर वेरी बिजी बैक इन द डे एज दे आर नाउ घर चलाना भी मेरे खास है किसी सबसे मुश्किल काम से कम मुश्किल काम नहीं, नहीं है वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर योर क्वेश्चन जिधर सीरियल बना रहे हो उधर एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको करनी पड़ती है एंड uh, ये सब okay. चीज़ें देखें मैंने आपके शो में शुरू में कहा था द सोसाइटी हैज़ यू नो हैज़ एवरी इन द स् ट्रैप कि हर चीज ऑन द गो मिले आप बिजी हो बच्चों को नाश्ता देना है कोई बात नहीं सीरियल में वो बाउल में थोड़ा दूध डालो सीरियल डालो यू गिव इट टू द किड्स बट देन अगेन यू नो एन एक्स्ट्रा एफर्ट हैज़ टू बी मेड पंद्रह मिनट पहले उठ जाओ अंडा बनाने में कितनी देर लगती है आई mm थिंक -hmm. जितनी देर एक अंडा बनाने में लगता है शायद सीरियल में भी कितनी उतनी ही देर लग जाती होगी सो दैट इज़ नो एक्सक्यूज टू आंसर द क्वेश्चन बनाने तो पड़ेगा नहीं आ, आ, बनाना पड़ेगा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो जो बच्चों की एडिक्शन बचपन से लगती है इस वजह से भी वो एडल्टूड तक ही उस चीज़ को कैरी करते हैं अपने माइंड के अंदर अगर आजकल के बच्चों को आप देखें तो आपकी बात दुरुस्त है जिस तरह हम लोगों का हम जब छोटे थे हम लोगों का इतना प्रोसेस फूड्स का शायद एक्सपोजर नहीं था जितना अब हमारे बच्चों का है सो देर आई एग्री विद यू इसमें ऑब्वियसली ऑबियसली एवरी इज आट फॉल्ट राइट अभी जिंदगी इतनी ऑन द गो हो चुकी है कि आपको अब नॉर्मल खाना बनाने एक बहुत बड़ा मिशन लगता है सो एवरी थिंग इज इधर आउट ऑफ द पैकेट चिकन ले लो सीरियल अभी आपने मिसाल दी mm -hmm. अब तो मतलब एवरी थिंग पैकेट या फिर फ्रोजन फूड्स ले, ले, ले आप फ्रोजन फूड्स गुड एवरी थिंग शॉर्टकट्स तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है ना वो चीज़ आपको जब सामने आएगी कि yeah, कितना yeah, जरूरी है हर चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है yeah. तो इफ़ यू नो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार मैं थका बहुत होता हूँ जिम क्या क्या, क्या करूँ तो मेरा एक सिंपल जवाब होता है देखो आप थके हुए हो किस टाइम उठते हो जी मैं सुबह लट से नौ बजे उठता हूँ घंटा पहले सो इज नो स जिधर मैं हसान महमूद किसी भी एक्सक्यूज को जस्टिफाई um, करूंगा देर इज़ नो सर्कमस्टांस क्योंकि आईव सीन पीपल जिन्होंने करना है वो करके दिखाते हैं और ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ बारह तेरह साल की ट्रेनिंग्स का आई नो एंड आई एम वर्किंग विद पीपल एज वी स्पीक हु आर डूइंग टू जॉब्स अ डे एंड दे आर स्टिल तो uh, सही सही अच्छा इसके अंदर जो अभी आपनेट और मोलाजट के एक्टर्स को भी ट्रेन किया था फवाद मुस्ता और उनको अभी फॉर एग्जाम्पल कोई फवाद खान को तो मैं मिक्स कर देता हूँ <laughs> okay, okay. तो इसमें कोई भी एक टीचर जब अपने ट्रेनर के पास जाते हैं मुझे ऐसी बॉडी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ना कोई बुराई नहीं है अगर कोई ऐसा चाहता है तो आई uh, नो के uh, कुछ हर ट्रेनर्स के अपना एक मैथड होते हैं चीज़ें yeah. होती हैं एंड इफ यू आर कम्फर्टेबल शेयरिंग द एक्सरसाइजेज और रेप रेंज फॉर एग्जाम्पल क्योंकि रेप रेंजेस में चेंज होती रहती है फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स कुछ साल पहले देखिए रेप रेंजेस एक ऐसा सवाल है ये तो है ना दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है यू डोंट गो टू ट्रेन अ क्लाइंट विदिकुलर रैप रेंज इन माइंड अगर मैं एक ड्रॉप सेट करा रहा हूँ तो उसका रेप रेंज और होगा इफ़ आई एम गिविंग यू अ प्रोग्रेसिट उसका रैप रेंज और होगा If I'm you to failure, उसका और होगा देशन यू ट्राइन इज माई अप्रोच टूवर्ड नो ट्रेनिंग के लिए आप no, अच्छा, आप... आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया आर्न एल भी क्या वही बेंच प्रेस नहीं लगाता था जो अभी भी हम लगाते हैं क्या वो बाइसअप कर्ल्स नहीं थे जो अभी भी हम करते हैं I don't know what's with, अभी अभी जो नौजवान क्या करें अभी उल्टा लटका के क्रंचेस करें <laughs> नहीं, नहीं नहीं। समझ आती इनको क्योंकि वो उल्टा छत से उल्टा लटक के क्रंचेस कर रहे हैं लाइक्स के लिए hmm. और अब सबको लगता है यार ये कोई नई चीज है इट्स नॉट बेसिक्स आर द सेम बॉडी बिल्डिंग के शुरू से जो अभी तक एक्सरसाइज आज दिन तक चलती आ रही है एक्सरसाइजेस सेम है उसके अंदर आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है mm -hmm. टेक्निक्स के ऊपर बहुत काम किया गया उसको रिफाइन बहुत किया गया बट द टेम्पलेट द सेम बेंच प्रेस आज भी बेंच प्रेस है वो शायद एक मशीन से तब्दील हो गया होगा ज्यादा अच्छी मशीन एंगल पे आ गई होगी लेकिन इट स्टिल रिमेन्स प्रेस इट इट्स सेम तो क्या प्रोसीजर है थोड़ा सा अगर आप यू कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल द केस आपका केस है क्या उसको आप समझते हो टारगेट क्या है क्लाइंट का उसका गोल क्या है मैनेजेबल है अचीवेबल है नहीं है देन यू सेट अप अ अ पैटर्न लेट्स हैव टोटल ऑफ मंथ्स तो मुझे उस छ महीने को ब्रेक डाउन करना इन ऑर्डर टू ग्रेजुअली पॉलिश माई क्लाइंट एंड ब्रिंग इम अलॉन्ग जर्नी एक में यू नो सिस्टमेटिको आई वुड स्पेंड द फर्स्ट फर्स्ट वन मंथ इनकी टेक्निक पे काम करने के लिए इनके स्टैमिना डेवलपमेंट के लिए सेकेंड मंथ थर्ड मंथ यू नो आई बी वर्किंग मोर ऑन

So that is how I will take my case. That is the client's psychology. the foremost and important thing is the client psychology. I get a grip on the client psychology. I can get them to perform at any level I want. So, the psychological warfare is my number one goal as a trainer. You get the psychology part sorted out. Your training doesn't have any problem. So, you take a case, you assess it, you evaluate it, and then you design whatever nutrition chart you have. पहले दो महीने आपने किस न्यूट्रिशन बैलेंस पे लेके चलना है नेक्स्ट टू मंथ्स में आपका क्या गोल है काप्स ड्रॉप करने हैं फैट्स बढ़ाने हैं प्रोटीन इतना ठीक है या बढ़ाने की ज़रूरत है घटाने की ज़रूरत है डू आई नीड एन एक्स्ट्रा मील डज माई क्लाइंट नीड एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ स्लीप यू नो दिस इज द मसल दैट्स लैगिंग दैट इज द मसल दैट्स ओवर पावरिंग अनादर मसल शोल्डर इज ओवर पावरिंग द आर्म्स द आर्म्स आर ओवर पावरिंग द फोर आर्म

अच्छा,

तो जो आप फोर्टी रेप्स की बात करें ये बेसिकली उसने ड्रॉप सेट में किया होगा उसने एक वेट पे चालीस रेप्स नहीं किए होंगे इस हिसाब आपने कहा ना फोर्टी से स्टार्ट किया ही ड्रॉप द वेट डाउन टू थर्टी फाइव सो लेट्स से ही पिक्ट आप फोर्टी के जी डम्बल पैर ठीक है उसने लेट से उस पर टेन रेप्स किए एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज तो उसकी जब फोर्टी के जी पे टेन रेप्स पे एक एग्जॉशन आया तो इंस्टेड ऑफ क्वेटिंग द सेट वॉट ही डेड वॉज उसने पाँच किलो कम किया एंड ही कैरिड ऑन मुझी छः सात रैप निकाले mm -hmm. फिर उसने मुझी ड्रॉप किया मुझी रैप्स निकाले सो वॉट क्रिज गेट्स नो एनी बडी हु इज ट्राइंग टू अचीव इज मसल फेलियर मसल को जितना स्ट्रेस देंगे उतना मसल फाइबर टूटेगा जितना मसल फाइबर टूटेगा उतना रिपेयर होगा जितना रिपेयर होगा उतना मसल आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा करके डिवेलपिन अ न्यूअर एंड अ स्ट्रोंगर मसल तो आप जिम में मसल तोड़ते हो आप बनाते नहीं हो बिल्कुल आप बनाते हो अपनी न्यूट्रिशन से अपनी डाइट से अपनी रेस्ट से अपनी रिकवरी मेथड से ठीक है सो आई होप दैट आंसर यूर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्ट्रेस द मसल एज बैडली एज गो फॉर ड्रॉप सेट्स ठीक है तो उसके अंदर आप फेलियर तक जाए एंडली नॉट द केस इन एवरी सिंगल सेट ड्रॉप सेट्स यूजली किए जाते हैं लास्ट सेट के अंदर तो ऐसा नहीं है कि आपके एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के चार सेट्स फॉर एग्जाम्पल तो आप चारों के चारों ड्रॉप कर रहे हो डू इट ऑन द लास्ट सेट ऐसे तो आप मेरे खास सात घंटे जिम से बाहर ही ना निकलो सही <laughs> तो आपकी रेफरेंज क्या होती है no 15. 15. 15 मेरा बहुत ही कम ऐसा कभी होगा कि 15 से नीचे आ, मेरा रेफरेंज आता हो एंड आई एम टॉकिंगउट एक्सट्रीमेल इवन वेन आईम लिफ्टिंग वेरी वेरी एक्सट्रीम एज आई डेड टू फुल एग्स तो फिफ्टी तक मैं फिर भी कोशिश करके पहुँचता हूँ और ट्वेंटी की सूरत में ड्रॉप करने की

जो पावर लिफ्टिंग के अंदर जिस तरह हम या यू के फाइटर्स को मैं जो कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी जो भी फाइटर्स है एम एम ए के ना जो एथलीट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो एक्सप्लोसिव होती है ना मोस्टली जरा कि आपने एक्सप्लोजन जो मसल है उसको आपने इनहेंस करना है ड्यू टू वेट लिफ्टिंग आई डि नॉट गेट अब फॉर एग्जाम्पल जो भी एथलीट है एम के फाइटर्स हैं या क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं जी जी अब एम को हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी पावरफुल एंड एट द सेम टाइम आपकी स्पीड भी मैटर करती है ठीक है तो आपका फॉर एक्जाम्पल एक पंच है पंच के अंदर आपके लेट्स भी यूज हो रहे हैं आपका शोल्डर यूज़ हो रहा है आपका बाइसअप यूज हो रहा है ट्राइसअप यूज़ हो रहा है ठीक है सो यू ट्रेन योर मसल इन अ सर्टेन वे कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं एक्टिव हो रही हैं उसके एवरी एथलीट डज डम एम ए वाला अपने जो भी उनको स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे गोल्फर अपने हिसाब से करेगा तो एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स नीड्स एंड यू ट्रेन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर नीड्स Right. तो उसमें आपका एक्सपीरियंस रहा है किसी एथलीट को ट्रेन करने का कोई भी किन एथलीट्स को किसी भी स्पोर्ट्स के आई हैव ट्रेनड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एथलीट्स ओवर द इयर्स तो उसमें अगर टेनिस एथलीट्स आई हैव वर्कड विद फाइटर्स आई हैव वर्कड विद बॉक्सर्स आई हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ फील्ड यू कैन इमेजिन तो आई एम अज्यूमिंग जो बॉक्सर्स को आप ट्रेन करते हैं उनके लिए आप एक्सप्लोजन को बढ़ाते हैं ना आई वर्क ऑन व्हाटएवर नीड्स टू बी वर्कड ऑन लेट्स से उसकी एक्सप्लोजन उसकी एक्सप्लोसिव पावर वैसी बहुत अच्छी है अच्छा देयर इज समथिंग एल्स ही नीड्स टू वर्क ऑन फॉर एग्जांपल लेट्स से हिज स्टैमिना सो देन आई विल डिजाइन अ ड्रिल दैट विल हेल्प इंक्रीज इसमना तो वो सी एवरीबडी कम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो ये एक जेनेरिक वो नहीं होता कोड नहीं होता कि चूंकि ये बॉक्सर है तो इसको सिर्फ पंचिंग की ही प्रैक्टिस कराओ बट यू कैन हेल्प हिम डेवलप द स्किल सेट एंड एंड द नेसेसरी यू कैन गिव इन द नेसेसरी ट्रेनिंग जिससे उसकी ओवरऑल बॉक्सिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो राइट सो जहां तक बॉक्सिंग की एक्यूरेसी और उन चीज़ों की बात है वो तो बॉक्सिंग कोच कराएगा ना उसको हाँ, वो तो मेरा फील्ड नहीं है माय जॉब इज टू हेल्प हिम बेटर हिज परफॉर्मेंस फिजिकली बाय असेसिंग एवेल्यूएटिंग हिम एंड यू नो ऑब्वियसली डिजाइनिंग द करेक्ट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बट जो उसकी स्किल सेट है बॉक्सिंग जो प्योर एसेंस है बॉक्सिंग का दैट इज ऑब्वियसली मच बेटर डन विद द ट्रेन बॉक्सिंग प्रोफेशनल कोच आई एम नॉट अ बॉक्सिंग प्रोफेशनल कोच नहीं बिल्कुल सो आई कैन हेल्प हिम डेवलप द यू नो द स्टैमिना फॉर इट यू नो दैगिंग मसल पार्ट्स येस बट जो बॉक्सिंग की जो रूल्स हैं जिस हिसाब से बॉक्सिंग की जाती है वो उसका आई थिंक एक डेडिकेटेड बॉक्सिंग कोच ही उसको कराएगा लेकिन जी जो उसको मेरे से हेल्प चाहिए ऑब्वियसली देट आई कैन ट्राइन हेल्प एम इंटरनेशनली ऐसे ही होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी एथलीट्स हैं उनके आप मल्टीपल हैं उसका

Mm -hmm. आपकी जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बैलेंस है इट इज़ वेरी फीजिबल यू आर गोइंग फॉर सोर्सेज आर नॉन ऑयली आप ऑर्गेनिक सोर्सेज की तरफ जाते हो आप फिश को पोल्ट्री को डेरी को हर चीज़ को एक बराबर मकदार में रखते हो तो इट इज़ प्रॉबली दी बेस्ट डाइट प्लान देर इज़ ठीक है यू कीपिंग योर फैट लेवल्स मॉडरेट और लो यू कीपिंग योर कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट यू कीपिंग योर प्रोटीन स्लाइटली मॉडरेट और हाई डिपेंडिंग ऑन द गोल द पर्टिकुलर क्लाइंट हैज तो मेडिटेरियन कवर्स एवरी जो मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर होनी चाहिए

उसको नहीं पता होता ये चिकन से आ रहा है या फिश से आ रहा है या प्रोटीन पाउडर से आ रहा है तो यू नो इफ इफ समबडी इज़ यू नो ऑन अ वीगन कोई वीगन है अगर आ, नहीं पसंद करता एनिमल प्रोटीन तो उनके लिए उन्होंने प्लांट बेस्ड ऑप्शन दिए हुए सो दर इज़ नो हाउ इट आप उसमें से ले लो कोई मसला नहीं हो सही यानी आपको उसमें मेरे मतलब ख्याल से उसकी चीज़ का वजह ये भी हो सकती कि कोलेस्ट्रॉल कॉन्टेंट सोडियम कॉन्टेंट यू नो डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर्स द लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कम टू प्ले उसमें ये भी आते हैं ना कि आपके जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन की चीजें हैं बीस हैं जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर आपके पास जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है जिंक है मैग्नीशियम है आयरन है वो भी आपको बॉडी को फोकस किया जा सके आप उन चीज़ों को भी डाइट में डालें अपनी देखिए बट अ क्लाइंट जिसको रेड शायद ना कंज्यूम कर सके आई हैव क्लाइंट्स इनको यूरिक एसेड का रेड बीस या रेडमीड नहीं दे सकते वो लोग भी है जो दस दस साल एक चीज खा सकते हैं वो लोग भी है जो दो हफ्ते बाद तंग आ जाते हैं तो यू नीड टू हैव अदर ऑल्टर सोर्सेज रेडी फॉर दम और आप साइकिल बनाते रहे तो ताकि वो एक सोर्स से ओबियसली तंग ना आ जाए ऐसा ही प्लस ये भी डिपेंड करते हैं ना किसन है वो कितना हेल्थ कॉन्शियस है कितनी चीज़ों को उसको खुद भी पता है मार्ग का पता है कितना वो अचीव करना चाहता है और एवरी क्लाइंट इज वेरिएबल वेबल हर बंदा एक वेरिएशन yeah. है कुछ लोग इसे मेंटली इतने टफ होते हैं कि वो उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं थैंक यू अच्छा उसके बाद जो एक स्वीटनर के ऊपर आना चाहूँगी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इस तरह स्टीविया है

तो दैट के नेवर भी गुड अगर हम कॉमन सेंस को भी इफ यू ब्रिंक कॉमन सेंस टू द टेबल ऑब्वियसली एनी थिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग योर रियल सेंस ऑफ टेस्ट और रियल सेंस ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल तो ओब्वियसली दट इज नॉट टू बी गुड फॉर यू बट यू नो देर कैन बी हैव कॉन्फ्लिक्ट रिसर्चेज देन अगेन अगर आप मेरी जतियी ओपिनियन पूछें आई वुड नेवर रिकमेंड आर्टिफिशल स्वीटनेस टू एनी बडी आई थिंक दे आर मच बेटर सोर्सेज आउट देर फ्रूट्स के सूरत में है

अगर एक चम्मच वो दाल भी लेता है चीनी डाल भी लेता है तो आई डोंट थिंक कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो ब्राउन शुगर फोकस है थोड़ा सा ब्राउन शुगर हो वाइट शुगर हो एंड ऑफ द डे शुगर इज शुगर चाहे वो ब्राउन हो या इट्स जस्ट चूजिंग बिटवीन द लेसर ऑफ पीपल्स हमें लगता है कि चूंकि हम ब्राउन शुगर <laughs> पे चले गए तो बस सौ खून माफ़ डाल ही जाओ ऐसा भी नहीं होता एंड uh, अगर वो टीन मेरे पास होता उसको मैं कहता है शहर डाल लो चीनी के बजाय हालांकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ शुगर सोर्स राइट

सो यू हैव दिस सडन इंसुलिन रश इन योर बॉडी राइट आपका ब्लड शुगर इज स्पाइकिंग थ्रू द रूफ एंड देन ऑब्वियसली जब आपकी पैंक्रियाज उसको काउंटर करते हैं इंसुलिन बनाते हैं तो वंस द शुगर कम्स डाउन देन यू स्टार्ट फीलिंग नेथाजिक और आपको क्रेविंग होती है जल्दी से किसी और मीठी की तरफ जाने की इसको काउंटर करने के लिए यू नो एज अ ट्रेनर एज अ फिजिक इंस्ट्रक्टर द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज टू गो फो कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो वक्फे वक्फे से आपके ब्लड ब्लड में

ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है अगर आपने टर्म्स सुनाओ mm -hmm. so, उसके अंदर बत, आपको बताया जाता है कि कौन से फूड सोर्सेज हैं वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे किधर रैंक करते हैं तो दैट्स वेरी बट ये एनी हैज़ अ रोल टू प्ले एनी थिंग जो चीज आप अपने जिसमें डाल रहे हैं उसका कोई ना कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट देर इज ऑलवेज एन इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अबाउट टू ट्रेन एट नाइन पी एम तो मुझे पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग से जो पिछला मेरा मील है या जो उससे पिछले दो मील हैं उसको मैंने किस तरह से बिल्डअप करना राइट इन ऑर्डर फॉर मी टू गेट अ गुड वर्कआउट विदाउट क्रैशिंग डाउन ऑन माई एनर्जी लेवल्स एंड ब्लड शुगर लेवल्स तो टाइमिंग सोर्सेज ऑफ योर न्यूट्रिशन एवरी थिंग टू वर्क इन अ परफेक्ट्स एनर्जी इफ यू मिस कैलकुलेट सम इट कैन एचुअली रो इन यू वर्कआउट ठीक है अच्छा एक हिट टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं आप अपना मसल गेन करने के लिए यू कंज्यूम मोर कैलोरीज जिसमें हमने कैलरोग्राफिक्स का बात किया था जितना आप फॉर एक्जाम्पल आपकी मेटेन्स कैलोरीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है यू कंज्यूम थ्री थाउजेंड और थर्टी फाइव हंड्रेड ना एंड यू डू कॉडियो प्लस वेट लिफ्टिंग उसमें आप गैप दे सकते हैं थोड़ा सा प्रोटीन चेक ले सकते हैं लेकिन उसके अंदर आपका जो फैट लेवल है ना बॉडी का फैट लॉस है वो काफ़ी अच्छा होता है ये मैंने खुद भी ट्राई किया था मैं फुटबॉल खेलता था साथ वेट लिफ्टिंग भी करता था फोर डेज़ एंड फाइव डेज़ या फोर डेज़ फुटबॉल खेलता था और कैलरिक प्लस में था

कार्डियो के जुमरे में नहीं रख सकते या ऐसे वेट ट्रेनिंग के उसमें नहीं दिस इज कम्बाइनिंग बोथ एलिमेंट्स टुगेदर दैन यस लाइक ए सेट यो मेटाबलिज्म पीपल हु आर नॉट ट्रेनिंग राइट आप एक ऐसा एथलीट जो रेगुलर ट्रेन कर रहे हैं जैसे आपने बताया आप फाइव डेज वेट ट्रेनिंग करते थे डेज यू टू डू कार्डियो ट्रेनिंग फुटबॉल ठीक है सो so, अगर हम कंपेयर करें उसको किसी ऐसे शख्स के साथ जो ट्रेनिंग करता ही नहीं है

How many days a week should a person train? Five days, six days, seven days. Well, then again, what does the person want to achieve? person If a person wants to gain muscle, yeah, yeah, five days is good enough. Yeah, four to five days is more than enough. Uh, we are taking two days off for recovery, right? Yes. Because muscle soreness Yes, recovery agar chini hogi to muscle development us tarah se

सही है कौन सा गलत है जिस तरह हर फील्ड में होता है देर सो मच आउट देयर एंड देर सो मैनी ऑप्शन कि आप यू सोड ऑफ बिकम ओवर कि यू नो विच इज़ द मेथड आई शुड फॉलो और ये सिर्फ आई थिंक मेरा अलमिया नहीं है या मेरा अलमिया नहीं था ये आज से पहले या अभी भी जितने लड़के लड़कियाँ इस चीज़ में आ रहे हैं mm -hmm. वो सबसे पहले गूगल को या यूट्यूब पे जब किसी को फॉलो करते हैं देखते हैं तो वो उनका स्कूल ऑफ थॉट रीड करते हैं देन दे स्क्रोल डाउन दर इज दिस अनदर ट्रेनर प्रोमोटिंग समथिंग डिफरेंट अब दोनों ठीक हो सकते हैं नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी बडी सबका अपना अंदाज है एंड आई रिस्पेक्ट एवरी बडी इज वर्क एंड ऑलवेज बिन मेरी वोकल अबाउट इट सब का अपना एक तरीक़ेकार है सबकी सब अपनी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है यू नो इट वर्कस फॉर दैम इट माई प्रॉबेबली नॉट वर्क फॉर यू तो पहला तो आपका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप ये देखो कि आपकी बॉडी रिस्पॉस किसके ऊपर कर रही है और अब रिस्पॉन्स से मुराद ये नहीं है कि आप एक हफ्ता ट्राई करके देखो यू हैव टू गिव इट टाइम बिफोर यू डिसाइड के दिस ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट मेन्ट फॉर मी आप तीन चार दिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करके फाइनलाइज नहीं कर सकते कि गोया ये ट्रेनिंग मेरे लिए डेवलप फायदेमंद है या नहीं है सो यू गिव अट तो दैट इज वॉट आई डिड या थ्री मंथ्स इज अ डिसम फ्रेम आपको पता लग जाता कि ये ड्राइड या ये ट्रेनिंग इज इट रियली हेल्पिंग सो टू मंथ्स एट वीक्स बनते हैं दैट इज सफिशियंट डेटा दैट इज अ लॉर्ड ऑफ डेटा दैट अ वेरी रिस्पेक्टेबल टाइम फ्रेम जिसमें आप फाइनलाइज कर सकते हो तो जब आई स्टार्ट आउट मेरा भी बाकियों की तरह यही कन्फ्यूजन थी बट विद टाइम स्टेप बाई स्टेप आप गलतियाँ करते हो और गलतियाँ आपका सबसे बड़ी जो है ना सबसे बड़ा टीचर होता है गलती आपका सबसे बड़ा उस्ताद होता है और वक्त तो उससे भी बड़ा उस्ताद होता है तो वक्त के साथ साथ गलतियाँ कर कर करके यू नो पीपल कम का मापेंदे से कि हमने ये किया हमने वो किया ऐसे नहीं बोलते आपने गलतियों से सीखा राइट एंड आई वॉज द सेम मैंने भी गलतियों से ही सीखा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज मिस्टेक्स इफ दोज मिस्टेक्स व नॉट मेड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वुड नॉट बी हेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ट्रायल एंड एरर यस एंड इफ यू स्लाइटली स्मार्टर हायर अ गुड कोच दैट इज समथिंग आई डिड नॉट डू बैक देन आई डिड नॉट सी एनी बडी जिसको मैं कह सकता था क्या दिस इज समी आई कैन गो एन आई कैन ट्रेन विथ मैं किसी से रिलेट नहीं कर पाया था हालाँकि एथलीट्स बहुत अच्छे थे बट

that is to train in circuits minimum rest time maximum intensity high rep range as heavy as you can go and obviously the last set of every exercise i drop it failure achieve nahi and it's worked pretty good for me so far circuit training maximum work i believe circuit training um, is probably one of the best training styles विद ए डाउट सर्किट ट्रेनिंग के जो फायदे हैं वो बेशुमार हैं एक तो आपकी इंड्योरेंस के लिए थर्मोजेनेसिस आपका फैट लॉस एंड साइमल्टेनियसली टू गेन मसल मैस प्रोवाइडेड यूरोना कलोरिक सर प्लस जो कंडीशनिंग जो ग्रीनीनेस आप अचीव करते हो विथ सर्किट ट्रेनिंग एज यू नो डोर गेट्स और माइक मेन्टन इस चीज को सामने लिखे हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को सुपर um, सेटिंग को पहले अगर आप जाएं सेवेंटीज़ में सो so द के फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट कर रहे हो दे आर फोर सेट्स फॉर एग्जाम्पल तो यू डूइंग सेट वन लेट से ऑन फिफ्टी के जी फिर आप थोड़ा वेट बढ़ाते हो सिक्सटी पे ले आते हो सेवेंटी एटी चार सेट्स हो गए देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज सो दैट स्टाइल ऑफ वर्कआउट वो टेक अ लॉन्ग टाइम आर्नल जोर गोल्डन एरा है उनके टाइम के जो एथलीट्स थे दे यूज टू स्पेंड अ लॉर्ड ऑफ टाइम इन द जिम दे आर टॉकिंग फोर आवर्स अगर आप पंपिंग आ रहे हैं देखें तो वो खुद बताते हैं कि हम चार से पाँच घंटे तो सिर्फ ट्रेनिंग करते थे दिन में नाव डेज एज एज द बॉडी बिल्डिंग रेवोल्यूशनइज तो देन दे केम द स्कूल ऑफ थॉट केयर आपको चार पाँच घंटे लगाने की जरूरत नहीं है आप पैंतालीस मिनट भी ठीक से करो मसल को अच्छी तरह से लताड़ो फोर्टी फाइव मिनट्स इज गुड इनफ एंडोरी नेट्स माइक मिन् ने इस चीज़ को साबित करके दिखाया सो देट स्कूल ऑफ थाट इज वॉट आई गो फॉर शॉर्ट टाइम्स ट्रेन फोर्टी फाइव मिनट्स वन आवर ट नो ब्रेक इन बिटवीन फिफ्टीन टू एटीन टू ट्वेंटी रेप पर एक्सरसाइज चार पांच एक्सरसाइजेस आपने किए बैक टू बैक वन मिनट आपने ब्रेक लिया यू रिपीटेड हार्ट रेट इज कॉन्स्टेंटली इन वेरी हाई रेंज यू आर टॉकिंग वन सिक्सटी टू वन एटी फाइव बीट्स पर मिनट तो आपका फैट लॉस तो हो ही रहा है एट सच एन एलिवेटेड हार्ट रेट You know your body is burning fat. It's a fat burning machine at that point in time, right? And then obviously when your heart rate is that high and you're producing so much lactic acid and your muscles are learning to resist failure, your muscles are learning that lactic acid, exposure. We have to sustain. So there's these thousands of reactions which go inside your body in order to train you. That you severe circumstance And that is how you develop over time, right? Step by step, step by step, step by step. सो दैट इज़ अटाइल ऑफ ट्रेनिंग आई ऑलवेज फॉलोड एंड दट स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग आई ऑलवेज इन डॉस इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल में, में जाऊँगा इसी के अंदर शायद यूजर्स को चाहिए होगा थोड़ा सा जो हमारे व्यूर्स हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल इसमें आप सिंगल uh, मसल को टारगेट करते हैं डबल मसल्स को इसके अंदर यूजली टू मसल्स टू मसल्स फॉर एग्जाम्पल आप चेस के साथ ट्राइसअप कर रहे होंगे yep. तो एक थोड़ा सा अगर आप अपना वो दे दें एक इट वुड बी चेस्ट और ट्राइसेप्स इट वुड बी चेस्ट एंड बैक इट वुड बी चेस्ट एंड बाइसेप्स इट वुड बी एनीथिंग फॉर एग्जांपल चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है और बाइसेप्स देन व्हाट वुड बी एक्सरसाइज सो वट आई डू मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं जो ट्रेनिंग पार्टनर्स उनको मेरी इस आदत का पता है सो वट एवर मसल फॉर दैट डे आई राइट डाउन वॉट आई हैव टू डू तो मेरे पास एक अपनी एक डेडिकेटेड डायरी है सो इफ आई एम ट्रेनिंग पर्टिकुलर मसल टू डे फॉर एग्जाम्पल आज आई एम ट्रेनिंग चेस्ट एंड बाइसिप्स इतफाकन सो आई विल राइट डाउन के मैंने आज क्या करना है माई वर्कआउट आई एल रीड इट आई एल विजुअलाइज इट सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा ओवर द ईयर्स जब मैं वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज देखता था क्रिकेटर्स की क्रिकेट का बहुत शौक रखता हूँ फिर मैंने देखा कि सिर्फ क्रिकेटर्स ये रूटीन फॉलो नहीं करते सो दिस इज़ वॉट यू डू इन ऑर्डर टू बी बेटर प्रपेयर आप मेंटली उसको विजुअलाइज़ करते हो फार्मूला वन जो ड्राइवर्स हैं वो उनका आज जो ट्रैक होता है जिस उन्होंने उस दिन रेस करना होता है सो दे विल एक्चुअली मेंटली गो थ्रू इट ठीक है दिल मेंटली इसको वो मैंटली ड्रा आउट करते हैं एंड द सेम आई अप्लाइड विद माई ट्रेनिंग सो आई राइट डाउन द वर्कआउट एंड आई मेंटली गो थ्रू द वर्कआउट You know, so it's 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 a difficult uh, thing to explain, but you have to visualize what you're about to do in the gym at that day. Mm -hmm. You have to be mentally prepared. You don't walk into your training blind. अगर you blind training your walking workout eventually in physique You won't have anything to show for that session. Or those number of years, just में claim I training right? Visualize. I write down my training. I visualize it and I execute it. And once I'm done. आई नो कि दिस इज वॉट आव डन अगली बार मैंने इन इन चीज़ों पर मजीद काम करना है तो जब आपके पास एक डायरी होती है आप अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो लिख रहे होते हो तब आप अपनी असल प्रोग्रेस को मैप आउट कर सकते हो जबरदस्त आप चार सेट्स करते हैं या तीन डिपेंड्स इट कैन गो इट कैन बी फोर इट कैन बी सेवन

अच्छा सप्लीमेंट है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर वे प्रोटीन समझा जाता है तो कितने इसके स्कूप कितनी सर्विंग्स फॉर एग्जांपल एक एक सर्विंग है 25 ग्राम ग्राम प्रोटीन ना एक स्कूप है तो कितने स्कूप एक बंदा एक दिन में ले सकता है क्योंकि कुछ स्टडीज कुछ लोगों ने इस पर बात की हुई है कि आप अगर दो या तीन दो से ज़्यादा स्कूप लेते हैं तो किडनीज पे असर पड़ता है आपके कौन सी स्टडी ने ऐसा कहा काफ़ी स्टार्स हैं जो जिम्स के अंदर

सब के बारे में होती है तो टू आंसर योर क्वेश्चन के स्कूप्स एंड ऑल देखें लेट्स ए यू आर लुकिंग टू गेन मसल राइट हमने डिसाइड किया कि हम आपको दिन में लेट्स ए 220 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पे रखेंगे आपकी हमने कैल्कुलेशन की असेसमेंट की आपका जो गोल था मैंने इसके ऊपर डिसाइड किया कि भाई आपने 220 ग्राम प्रोटीन टारगेट करना अब हम आते हैं उसको इस बात पे आते हैं कि उसको हमने टारगेट करना कैसे ब्रेकफास्ट में हमने कितने ग्राम हिट करना है तीन घंटे बाद सेकंड मील में, में कितने ग्राम्स हिट करना है अभी हमसे प्रोटीन की बात करें अभी हम फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को फिलहाल साइड पर रख देते हैं इससे पहले कि कुछ सियान ये सवाल करे कि जी कमेंट्स में लेके कि जी आपने प्रोटीन पे बात की है काब्स किधर गए फैट्स किधर गए तो वो हम डिसाइड करेंगे कि आपको हमने नाश्ते में इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पे रखना है तीन घंटे बाद दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हिट तीन घंटे बाद ये तीन घंटे बाद ये तीन घंटे बाद ये अब जो मेरा प्रोटीन को लेके एक मेथड है उसका इस्तेमाल है वो मेरा ये कहना है और सबको मैं यही समझाता हूँ कि सप्लीमेंट्स 19 को 20 करते हैं लेट से आप 200 पे आके आपके मील्स खत्म हो गए आपकी बस हो गई सो टू गेट दैट लिटिल एक्स्ट्रा एज यस आप एक स्कूप प्रोटीन ले लो लेकिन अगर आप डेढ़ पे बैठे हुए हो और आपने दो करना है और मैं छे स्कूप प्रोटीन पी के उसको कर लेता हूँ एप्सलूटली नॉट नेवर एवर रिप्लेस सप्लीमेंट्स विथ एन औरिजनल फूड सोर्स निवर हमेशा ओरिजिनल फूड सोर्सेस को अपनी प्रायरिटी रखें बाकी उन्नीस बीस के लिए यस यू कैन गो विमेंट्स वाई वुड यू वेस्ट मनी ऑन प्रोटीन पाउडर वन यू कैन बाई नेचुरल फूड सोर्सेज फॉर द सेम अमाउंट अब ओवन का एक मिसाल दे रहा हूँ ओवन का अगर जो एक पैक है आई थिंक दो के जी का वो चौबीस हजार रुपये का है तो चौबीस हज़ार में आपके पूरे महीने का कीमो और चिकन नहीं आ जाएगा वो ज्यादा बेहतर एक तरीके का नहीं होगा सो ऑलवेज गो फॉर नेचुरल सोर्सेज इट्स का ये मतलब नहीं प्रोटीन अनचुरल है बट ऑबली यू वुड प्रेफर हैविंग फ्रेश फूड मोर ऑफ ड्रिंकिंग शेक्स द होल डे राइट सो दैट इज़ अ अ बेटर एंड चॉइस उन्नीस को बीस कर लो बट दस को बीस प्रोटीन नहीं करता बाकी ओमेगा मेगा थ्री हो गए जिंक मैग्नीशियम इन सब की अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है अगर हम इनकी डिटेल में जाए तो बेतहाशा इनके फवायद हैं मैग्नीशियम का जिंक की बात करें उसका आपके प्रोस्टेट हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स है मैग्नीशियम का आपके हार्ट पे क्या है ओमेगा थ्री का आपके टेस्टोस्टोन हार्ट हेल्थ एंड इफ़ यू आर एन एथलीट आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी <laughs> तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार मत लो मत लो मत तो क्यों ना लो भाई अगर एक चीज़ बनाई गई जिससे आपको फायदा है प्रूवन है साइंटिफिकली इट्स गोइंग टू हेल्प यू वाट्स द प्रॉब्लम मुझे तो ये नहीं समझ आती यहाँ पे बच्चों को सर देते हुए कोई सवाल नहीं करता कि यार ये सप्लीमेंट क्यों दे रहे हो पाउडर क्यों दे रहे हो लेकिन जब आप एक कॉन्शियस चॉइस ले रहे हो इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर एथलीट तो उधर सब जो है ना उनके वो पैनिक कर जाते हैं कि यार ये क्या है ये क्या ये क्या है ओमेगा थ्री जिंक एल एलकॉनिटीन ग्लूटमीन जो कि हमारे जिसमें सबसे ज़्यादा हाईली एबान्ट अमीनो एसिड है रिकवरी में एक बहुत मेजर रोल है ग्लूटमीन का ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है ये कोई आप जहर नहीं पी रहे हो या आप वो चीज़ पी रहे हो या वो चीज खा रहे हो जो आपको फायदा दे रही है एंड इट्स हेल्पिंग यू बिकम अ बेटर एथलीट आप एक बेटर फिजिकल परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप कैसे एक नॉर्मल डाइट के ऊपर उसको सस्टेन करोगे क्या आपको डाइट नहीं चेंज करनी पड़ेगी ट्रेनिंग नहीं चेंज करनी पड़ेगी हाउ कैन यू हैव द सेम डाइट एज द गाय नेक्स्ट डोर एंड एक्सपेक्ट टू बी अ सुप्रीम एथलीट यू कैनोट तो यू हैव टू गेन दैट एज राइट यू हैव टू गेट मोर हैव टू गेट मोर न्यूट्रिशन यू हैव टू गेट बेटर ट्रेनिंग हार्डर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एक मेथ है कि वक्क के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो ट्रेनिंग ईजी होती है ट्रेनिंग इज नेवर इजी क्योंकि आपको हर दफ़ा एक स्टमिलस तोड़ने के लिए अपने कम्फर्ट जोन से मुजीद बाहर जाना पड़ता है तो जितने आपके साल बढ़ते जाते हैं उतनी आपकी ट्रेनिंग मजीद मुश्किल होती जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को मजीद स्टिमस चाहिए एक मोर यू नो यू बॉडी नीड्स मोर ऑफ अ चैलेंज इन ऑर्डर टू गिव अ पर्टिकुलर रिस्पांस आप एक ही स्टेमस पर पूरी जिंदगी फ़ायदा नहीं निकाल सकते ठीक है right. इसी तरह मल्टी वाइटामिन भी जरूरी है क्योंकि वो आपके खानों में वाइटामिन जो है एक रिसर्च के मुताबिक फॉर एग्जाम्पल आई थी के ऊपर ना कि वाइटामिन सी जो ऑरेंज के अंदर था हमारे जो दादा के ज़माने में था अब वो सिक्सटी परसेंट कम है उससे उसकी एक वजह है ना हा? कि वो सिक्सटी परसेंट कम है फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो द न्यूमेरिक वैल्यू देखिए जो पहले वक्त के हमारे फ्रूट था या वेजिटेबल था वो बहुत ऑर्गेनिक था उसमें फर्टिलाइजर का केमिकल्स का उस तरह से इस्तेमाल नहीं था राइट अब A lot of fruits we consume are hybrids with genetically modified seeds, mm -hmm. which is not wrong, but obviously एक organic source में और एक hybrid source में फर्क है and obviously the fertilizer क्योंकि अब consumers इतने ज्यादा हैं कि अब आप आपको ये सब कुछ करना पड़ता है ऐसे अगर हम chicken की मिसाल ले लें जो देसी chicken है उसका आप देखें slaughter time कितना है mm -hmm. और जो आपका फार्मी broiler चिकन है उसका आप स्लॉटेड टाइम देखें कितना है ऑलमोस्ट twice इज लेस mm -hmm. Why? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है खाने वाले बहुत है सप्लाई कम है तो आपको स्पीड अप करने काम उस काम को स्पीड अप करने के लिए आप क्या करोगे आप फॉर्डर दोगे और वो फॉर्डर दोगे जिससे चिकन जो है वो वो जल्दी बढ़ेगा और किस किस्म का फॉर्डर होगा वो उसको आप बेहतर जानते ही है <laughs> सबको पता ही है कि उसके अंदर हाँ। जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और वो आप खा रहे हो और क्यों आजकल बच्चों के अंदर इतने हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं पहले तीस चालीस साल पहले ये मसले क्यों नहीं था यू आर वॉट यू कंज्यूम आप जो खाते हो आप वैसे ही होते हो सो योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट यू चूज से प्लस लेना चाहिए फर्टिलाइजर हो अदर फैक्टर्स हो वाइटामिन आपकी डाइट में वैसे भी अगर हम एक एक, एक आज के दिन की एक डाइट प्लान को स्टडी करते हैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी हाउस होल्ड का हमारा नाश्ते में पराठा होगा अंडा हो जाएगा या पराठा चाय हो जाएगा दोपहर में हम सालन रोटी खा लेंगे फिर बीच में कोई स्नैक खा लेंगे रात को हम सालन रोटी खा लेंगे सालन चावल खा लेंगे तो आपकी न्यूट्रिशन है किधर फ्रूट्स का है सब्जी का है एंड ऑबियसली uh, हर बंदे की पहुंच में भी चीज़ें है भी नहीं महंगाई uh, की वजह से तो इट मेक्स मल्टीवाइटमिनट फॉर यू आपको वो डेफिसिट तो पूरा करना है ना अगर डाइट से नहीं मिल रहा एंड यू हैव हैदर चॉइस फॉर इट नो हार्म गो फॉर इट अच्छा जितने भी एथलीट्स हैं जो कि क्रिकेट के मार्शल आर्ट्स के सब जो है ना एक जो सप्लीमेंट क्रिएटिन उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर जितने भी मैं जितने भी कोचिस वगैरह से मिला हूँ सब यही फोकस ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर तो उस बारे में आपके जिस तरह जो जिस तरह काम करते हैं आपके मसल्स के अंदर वाटर टेंशन बढ़ जाती है और आपका जो एक्सपोजर टाइम है हाई इंटेंसिटी का या फिर आपके रेपूटेशन है वो है बढ़ जाते हैं तो इज इट सेफ क्रेटीन इज समथिंग जो बॉडी नेचुरली बनाती है तो वाई इट नॉट बी सेफ वो आप कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई चीज नहीं ले रहे हो क्रीटीन बॉडी में नेचुरली बनती है हर इंसान में होती है

डिपेंड्स बोथर गुड इन दौन कैटेगरी जैसे वे आइसोलेट हो गया या वे प्रोटीन में अब काफ़ी टाइप्स आ गए उनका बेसिकली किसी एक को इस तरह मॉडिफाई किया गया कि वो जल्दी ब्रेक डाउन करता है दूसरे का कोई और हो पर्पज होता है तो उसमें कोई सही गलत नहीं है यू कैन चूज लाइक फॉर वोटर बॉडी एंड प्लस दीज आर वेरी माइनर चेंजेस बड़े माइन्यूट लेवल की हम बातें करें आई बिलीव मोर ऑफ इट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो क्रिटीन इज क्रेटीन कोई जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है कोई जल्दी प्रोटीन जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट्स फाइन आइसोलेट है हाइड्रोलाइज वर्जन है ये सब डीज आर इस नेटिग्रिटीज इसके अंदर ने इतना वो सीरियस उसका वो नहीं है कोई स्कूल ऑफ अफोर्ट नहीं है अच्छा एट द एंड दिसकस करना है आपसे प्री वर्कआउट्स तो अपने क्लाइंट्स को आप देते हैं प्री वर्कआउट्स या आप मैं आज तक अपने किसी क्लाइंट को सप्लीमेंट के ऊपर बात ही नहीं करता और उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि अभी तो मैंने सप्लीमेंट की कितनी अच्छी बातें बताई हैं आपको तो आपके जहन में आना चाहिए कि क्यों नहीं देता मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था फ़िटनेस को लेकर हमारा एटीट्यूड नहायत पैथेटिक है अगर मैं किसी को वे प्रोटीन देता हूँ और उस दिन उसने हलवा पूड़ी चने खा लिए उसका पेट खराब हो गया तो उसके अम्मी अबू तो मुझे कहना कि आपने जी इसको प्रोटीन शेक दिया था इसका पेट हमारे बच्चे का ख़राब हो गया इसी या वो बाथों में फिसल के नीचे गिर जाए तो उसके अम्मी अबू ने कहना है और उसने भी कहना है सर आपने हमें वे प्रोटीन दिया था मुझे चक्कर आ गए तो जब आप एक चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते हो अभी आप उसके ऊपर इतने इलिटरेट हो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट गाई टाइम ट्राइंग टू कन्विंस यू बल्कि अगले मुझे कहते हैं आपका चूंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं एक प्रोटीन कंपनी की तो उस जैसे आप हमें कह रहे हैं कि किले क्वेश्चन जिसको थोड़ा नोहा होती है उससे मैं बात करता हूँ जिसको नहीं होती तो आई डोंट ट्राई ट्राइन कन्विंस दम एट ऑल नहीं बस एज आपका क्या उसके ऊपर आप खुद लेते हैं प्री 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 वर्कआउट नहीं वर्कआउट्स वर्कआउट्स आई 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 डोंट डोंट टेक टेक वे प्रोटीन आप रिकमेंड करेंगे किसी को जो अपने, अपना अच्छा डिपेंडेंट ठीक है मैं बिलीव की बात नहीं कर रहा प्री वर्कआउट में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ एक डिपेंडेंसी फैक्टर आ जाता है सो व्हाट प्री वर्कआउट्स डू और जिसके लिए लड़के लड़कियां उसको कंज्यूम करते हैं वो वेज और होते हैं दे हेल्प यू गेट अ गुड पम्प मोर ब्लड टू ट्रेवल थ्रू एंड एंट्रो योर मसल राइट मेरा उससे ये इशू है जो मेरा जतीी प्रॉब्लम है वो ये कि आप डिपेंडेंसी क्यों रखते हो एक चीज़ के ऊपर सो आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ्स आप एक दिन प्री वर्कआउट घर भूल गए और आपने भी देखा होगा अगर लड़कों को नहीं मिलता तो कहते हैं यार आज वर्कआउट नहीं हो सकता या वो पंप नहीं आ रही साइकलॉजिकली हम लोग इतने उसमें इंटरेप हो जाते हैं एंड आई डोंट अलाउ एनी थिंग और एनी वन टू यू नो मी दैट्स इंटरेप नी नेवर वाईव ऑन इट

<laughs> <laughs> सारा दिन ऐसा होता होगा आप सोचें कितनी मुश्किल जिंदगी होती <laughs> हाँ, वो एक बंदा टाइट रहता you know, रह है अगर आपका पूरा दिन पंप है तो आपसे कोई काम कैसे होगा अगर मेरे अगर मैं साढ़े उन्नीस बीस इंच का बाजू पंप है पूरा दिन तो मैं काम कैसे मैं पानी कैसे पीऊंगा यू नो मैं डेली एक्टिविटीज कैसे करूंगा तो हाँ वो वक्ती तौर पर अच्छा लगता है लेकिन असल अच्छा जो आपकी फिजीक होती है वो कोल्ड फॉर्म में होती है अगर आपने अपने आप को एनालाइज करना आप कोल्ड फॉर्म में करो पंप के ऊपर अच्छी लाइटिंग के नीचे खड़े होकर फोटो लेके हर कोई अच्छा लगता है आई डू द सेम थिंग मैं जब आई पंप आप एंड आई यू नो ऑल स्वेटी एंड आई टेक अ गुड पिक्चर गुड लेकिन आई हैव नेवर यूज दैट टू सेटिस्फाई माई ईगो के हाँ दैट इज हाउ आई लुक माई रियल फिजिक इज राइट नाउ सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई एम हैप्पी विद दैट तो मुझे वो अब वो क्रेज नहीं रहा कि वो पम्प वाली लुक चाहिए दैट्स इन द जिम दैट विल गो अवे दैट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू मेंटेन द रेस्ट ऑफ द डे लेकिन आपका जो कोल्ड है द रेस्ट ट्वेंटी थ्री आवर्स इज हाउ यू एक्चुअली लुक लाइक उस पर नजर डालो प्लस एक चीज़ ये भी है ना कि जो अक्सर जिम के अंदर ये कल्चर होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके अगर कभी कभी आपकी बॉडी आपने एक्सरसाइज एक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती फॉर फोर आपका एक उन्नीस इंच का डोल है तो वो अगले हफ्ते शायद अठारह का हो जाए टेम्परेरीली

कि मतलब आप लोग सिर्फ इस बात को रोते हो कि वेट कितना है तो मतलब बाइसेप कितना है चेस्ट कितना है इमेच्योरिटी है अनफॉर्चुनेटली वी आर हमारी अप्रोच फिटनेस को लेके इस कदर इम है यू नो अब इट स्टार्टिंग टू गेट ऑन माई नर्व नाउ इट स्टार्टिंग टू फ्रस्ट्रेट मी एस वेल हम लोग आप वाली बात हम लोगों ने उसका बाकी फैक्टर्स को और फायदे को कभी कंसिडरेशन uh, में लिया ही नहीं है mm -hmm. स्लीप क्वालिटी बेहतर है या मूड बेहतर है एपेटाइट बेहतर है यू नो योर फीलिंग मच रिलैक्स मच बेटर आप वो सारी थेरापूटिक एडवाटेजेस को तो हमने नजरअंदाज किया हुआ है हमारे लिए जिम जाने का मतलब ही बाइसेप का मेजरमेंट और रेट स्केल देखना है बस यही है। बस यही रह गया इनको मतलब वो जो बाकी फायदे हैं वो तो आज तक कभी किसी ने आके बात ही नहीं की उन पर कि हाँ भी नींद भी बेहतर आती है हम जिसम से फायदा ले रहे हैं काम लेना अलमदल्ला अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने जिसम से काम ले सकते हैं हम ट्रेनिंग कर सकते हैं हम चल फिर सकते हैं हमारे हाथ पैर सलामत हैं इन ऑर्डर टू डू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज मतलब पीपल आउट बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं जो अस्पतालों में हैं जो शायद तरसते होंगे कि हम वो सब कुछ कर सकें जो ये इंसान कर सकता है हम भी उठ के भाग दौड़ सकें हम भी ये वेट ट्रेनिंग कर सकें या कोई स्पोर्ट खेल सकें वो नहीं कर पाते नहीं कर पाते और जो कर पाते हैं उनको उसकी कदर नहीं है हम हम जैसे नाशुक्रे लोग हैं ही नहीं हम ना शुक्रो ना शुक्रपन में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है एज पीपल एज ए नेशन वी आर द मोस्ट थैंकलेस पीपल है आ, कमर कितने इंच हो गई है अरे भाई आप ट्रेनिंग करो ये चीजें भी हो जाएंगी लेकिन आप उसकी बड़ी तस्वीर भी तो देखो न, look at the bigger picture for God's ना लुक एट द बिगर पिक्चर फॉर गॉड पीपल गॉट स्टक ना इसके अंदर ना बस बार वो, बार सब वो, सब वो जो स्टक रहते, 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 रहते हैं पे स्टक ही रहते हैं वो फिर आगे नहीं आप स्टक रहने दें फिर उनका कोई इलाज नहीं वहम का कोई इलाज नहीं होता कोई इलाज नहीं सो so, हसन भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए बहुत, pleasure, बहुत pleasure, मजा आया माय ऑनर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट्स बीन एन ऑनर वीअर्स इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड्स के अंदर थैंक यू टेक केयर